भारत बनाम न्यूजीलैंड का तीसरा और डिसाइडर मैच आज खेला जाना है। ओडीआई सीरीज में जहां भारत ने न्यूजीलैंड को वाइट वॉश कर करारा जवाब दिया था, वहीं न्यूजीलैंड ने पहले ही T20 मैच में भारत को नाको चने चबवा दिए थे और शिकस्त देकर भारत को आश्चर्यचकित कर दिया था, यानी सरप्राइज कर दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि भारत की जो T20 साइड है वो युवा है, कुछ ने कहा कि सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी, मुश्किल थी, लेकिन सच तो ये है कि न्यूजीलैंड ने भारत को पहले T20 में जो शिकस्त दी थी वो दूसरे T20 में भले ही ना मिली हो, लेकिन दूसरे T20 में भी जीत इतनी आसान नहीं थी। शानदार बॉलिंग के चलते भारत ने भले ही कीवीज को 99 रनों पर ढेर कर दिया था, लेकिन कीवीज बॉलर ने भी शानदार बॉलिंग की और महज 100 रनों का लक्ष्य भारत ने 20वें ओवर की आखिरी बॉल पर हासिल किया, जो कि एक बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से लखनऊ में पिच ने भारत को रंग दिखाया था वो सबको मालूम है, भारत को सरप्राइज किया था वो सबको याद है। शानदार गेंदबाजी से भारत ने कीवीज को ढेर तो कर दिया था, लेकिन महज 100 रनों का लक्ष्य भी भारत को माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा हो गया था। आज दोनों ही टीम के बीच निर्णायक मैच है और जो जीता वही सिकंदर कहलाएगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट के मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला आज शाम को 7 बजे खेला जाना है। और बात करें भारत की, तो मुमकिन है कि हार्दिक पांड्या की युवा टीम शाम के समय अगर टॉस जीती है तो पहले गेंदबाजी चुनेगी और मैच को चेस करते हुए लगातार 12वीं सीरीज जीतने की कवायद को बरकरार रखेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर के ओवर में भारत के लिए बॉलिंग कौन करेगा, क्योंकि अर्शदीप ने जैसे पहले मैच में डेथ ओवर्स में रन उठाए थे, वो कहीं ना कहीं अगर आज हो गया तो वो भारत को बहुत भारी पड़ने वाला है। हालांकि पहले मैच में जम्मू एक्सप्रेस उमरान मलिक को महज एक ही ओवर मिला था, लेकिन मुमकिन है कि आज चहल की जगह उमरान को एक बार फिर से मौका मिले। बात करें मिचेल सेंटनर की युवा टीम की, तो वहां भी बड़े चेहरे भले ही ना हो, लेकिन जिस शानदार तरीके से वो मेजबान भारत को टक्कर दे रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ी बात है। चाहे वो लॉकी फर्ग्यूसन हो या मार्क चैपमैन, धारदार गेंदबाजी से सबको सरप्राइज करने के लिए जी जान लगाएंगे और वो भी आज जीत के लिए जी जान लगाकर खेलेंगे और मेजबानों को हराने में मेहमान कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शाम के वक्त पिच पर ओस परेशान कर सकती है, इसी वजह से भारत पहले गेंदबाजी चुनने वाला है। हालांकि इससे पहले भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ डिफेंड करते हुए मैच जीता था, लेकिन वो वक्त अलग था, वो सिचुएशन अलग थी, वो महीना अलग था, वो वक्त था मार्च का और अब फरवरी चल रहा है, यानी फरवरी का महीना चल रहा है। तो आज सबकी निगाहें इस मैच पर होंगी और 125 करोड़ भारतीयों को बेसब्री से इंतजार है कि भारत इस जीत की श्रृंखला को बरकरार रखे, 12वीं लगातार सीरीज की जो कवायद है उसको बरकरार रखे और हार्दिक पांड्या की जो युवा टीम है जिसमें भले ही बड़े चेहरे नहीं है वो जीत के परचम के साथ भारत को विजय बनाए। ये वीडियो मेरे साथी दिलीप ने शूट किया आपके लिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।